डिंडौरी में बसंत गिरी महाराज अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि अमरकंटक राष्ट्रीय मार्ग पर नर्मदा पथ में पुलिया का निर्माण हो। महाराज के अनुसार मुख्यमंत्री जब 2017 में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान गए थे, तब उन्होंने नर्मदा पथ और नाले में पुलिया निर्माण की मांग की थी। पुलिया का निर्माण तो हुआ है, लेकिन एजेंसियों ने पुलिया गलत बना दी, जिससे जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब शासन प्रशासन आम जनता की समस्याओं को नहीं सुनता है तो जनता को सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ता है। ऐसा ही मामला जोगी टिकरिया गांव का है, जहां पुलिया निर्माण को लेकर जबलपुर अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसंत गिरी महाराज अपने संतों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे बसंत गिरी महाराज ने कहा कि साल 2017 में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोगी टिकरिया घाट में वृक्षारोपण करने आए थे। उस दौरान साधु संतों ने मुख्यमंत्री से नर्मदा पथ और नाले में पुलिया निर्माण की मांग की थी, जिसके बाद पुलिया का निर्माण तो हुआ था, लेकिन पुलिया बनाने वाली एजेंसियों ने पुलिया ऊपर बना दी थी। अब आम नागरिकों को बारिश के समय नर्मदा पथ से आने जाने में समस्या होती है। साधु संतों की मांग है कि पुलिया का निर्माण सही तरीके से किया जाए और साथ ही नर्मदा नदी में मछली मारने पर प्रतिबंध लगाया जाए। रोड के लिए ही बैठे हैं, दो पुलिया बनना चाहिए, ये सामने बिल्कुल हमारा समाधान हो जाएगा। मछली अभियान बंद कर दे सरकार, यहाँ कोई मछली न मारे, जैसा यहाँ धर्म के काम हो रहा है वो धर्म चलना चाहिए। वही धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षेत्रीय विधायक ओमकार मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, कलेक्टर विकास मिश्रा सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला पहुंचे। वही बसंत गिरी महाराज की बीड़ी देखकर कलेक्टर ने बीड़ी छोड़ने की अपील की। कलेक्टर ने महाराज से कहा कि आपकी समस्याओं को सुन लिया गया है, अब आप बीड़ी छोड़ दीजिए। और आगे कलेक्टर ने तत्काल आरईएस विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाकर एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। नर्मदा के भक्त नर्मदा जी के परिक्रमा करते हैं और बहुत ही समस्याओं से उनको किनारे किनारे नर्मदा जी के परिक्रमा करना पड़ता है। ऐसे समय में नर्मदा पथ की बहुत आवश्यकता है। इस विषय को लेकर के अनेकों बार प्रयास किया गया, आज भी वो समस्या जस की तस है। तो इसके लिए नर्मदा पथ के लिए माननीय बाबा जी बैठे हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। ये जायज मांग देखिए, विकास यात्रा में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा प्रश्न नंबर पहला है। जब नर्मदा सेवा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो नर्मदा पथ और नर्मदा के किनारे हरी चुनरी की बात आपने किए थे। आज नर्मदा भक्त नर्मदा पथ के लिए धरने में बैठे हैं, तो ये विकास किसके लिए? ये विकास की अगर हमारे नर्मदा परिक्रमा वासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो इसमें शिवराज सिंह जी को तो तत्काल में संज्ञान लेना चाहिए। एक घंटा से बाबा जी बैठे हैं, एक घंटे से इतनी तपती धूप में बाबा जी बैठे हैं और एक तरफ शिवराज सिंह जी की विकास यात्रा चल रही है। अरे बाबा जी के मांगों को आकर आप सुनिए। नहीं, बाबा जी हमारे बहुत ही आध्यात्मिक प्रेरक लोग हैं और बाबा जी 2.5 साल बाद बाहर निकले हैं और उन्होंने मेनली आज जो है ये जो यहाँ पर धरने में बैठे थे बाबा जी, वो इसलिए बैठे थे कि नर्मदा का जो परिक्रमा पथ है वो ठीक करा जाए भक्तों के लिए और साथ में जहाँ पर गैप है वहाँ पर कुछ माइनर रपटा बने। तो हमने देखा है क्योंकि हमारा अभी उसका जो रेशियो है मटेरियल और लेबर का थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उनको वादा किया कि अप्रैल से काम शुरू करा देंगे, इसमें बनना स्टार्ट हो गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।